Hey guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेल डांसर्स के लिए ओइसी साड़ी ड्रॉप कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेल डांसर के लिए मैं एक ओडिसी साड़ी ड्रॉपिंग लेके आ जाऊँ. तो देखिए, मैं लेके आ गई हूँ. इसमें बहुत ही ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पाटो साड़ी, और आप कॉटन भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ मेरे साड़ी में प्रिंट है. आप प्लेन ही लीजिएगा, क्योंकि प्लेन के साथ बॉर्डर ओडिसी साड़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है. इसके बाद आपको क्या करना है, सेम कलर का पैंट नीचे पहनना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि हम इसको अपने हाथों से ही ड्रॉप कर रहे हैं तो पैंट मतलब साड़ी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमें क्या करना है, सेम कलर का कोई भी पैंट नीचे पहन लेना है. इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो आंचल वाला साइड है आपको ऑपोजिट मतलब लेफ्ट साइड में रखना है, और इसका अदर साइड आपको राइट साइड में रखना है, और दोनों किनारे को एकदम सेम टू सेम ही रखना है, कहीं पर भी छोटा बड़ा हमें नहीं करना है. इसके बाद हमें क्या करना है, बीच में एक टाइट सा गांठ कर देना है, जैसे कि हम डांस के लिए जा रहे हैं तो हमें टाइट सा ही गांठ करना है. अगर आप सबको मेरी वीडियोस थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल में अगर आए हैं आपने क्लिक किया है ये वाला वीडियो देखने के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं तो आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ नहीं मिलेगी. और फीमेल डांसर्स के लिए मैं भी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा. तो देखिए मैंने कर दिया है, और इसको इसका जो बॉर्डर है उसको बिल्कुल साइज में मैंने रखा है, और थोड़ा थोड़ा मैं नीचे खींच रही हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए. इसके बाद हमें क्या करना है, सेंटर में से खींच के लाना है और टाइट से पकड़ के उसको अंदर टक कर देना है. आप एक ही साड़ी में मैं पूरा कुछ करने वाली हूँ, आप ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे. इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड का साड़ी को पकड़ के हमें ऑपोजिट साइड में घुमा के लेके जाना है, और जैसे मैं अपने हाथ में कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है, और उसका जो पीछे वाले साइड में जो बॉर्डर है उसी बॉर्डर को पकड़ के आपको सेंटर में थोड़ा मतलब टाइट से उसको टक कर देना है. इसके बाद हमें सामने ला के खींच के आगे टक कर देना है, और उसी साइड को छोड़ देना है, वो अभी कोई काम नहीं करेगा, बाद में उसका हमें ज़रूरत है. तो इसके बाद आपके क्या करना है, ऑपोजिट साइड को भी बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम करना है जैसे हमने अदर साइड को किया था. इसके बाद हमें क्या करना है, राइट साइड का जो पैर है उसको साड़ी को नीचे से खींच के उसकी बॉर्डर को सामने रख के हमें अंदर टक कर देना है. देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है. जैसे कि ये बॉयज़ के लिए है तो आप अंदर कोई भी कलर का जो ट्रैक पैंट आता है वो पहन सकते हैं, लेगिन पैंट. ये गर्ल्स के लिए है, क्योंकि मैं मतलब लड़की हूँ इसलिए मैंने लेगिन पैंट कैरी किया है. इसके बाद आपको क्या करना है, जो राइट साइड में एक्स्ट्रा साड़ी बच गया था उसको छोड़ देना है, और लेफ्ट साइड की साड़ी को पकड़ के हमें छोटे छोटे करके प्लेट्स डाल देना है, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में करती हूँ.
तो मैंने प्लेट्स को अपने हाथों में सेट करके उसका जो बटर है उसको नीचे से खींच के एकदम से उसको सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान में ही देखना है मैं क्या करने वाली हूँ, और यहाँ पे आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने पहले ही उसको राइट साइड को पकड़ के सेट कर दिया था वो बाद में मुझे खोलना पड़ा, क्योंकि ये बाद में हमें ज़रूरत है। तो मैंने उसको ओपन कर दिया था ऑफ कैमरा, अभी मैं फिर से उसको सेट कर रही हूँ। देखिए इसको मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा साड़ी बच गया है पहले उसको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद इसे फोल्ड करना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें इसको लेके पीछे वाला जो साइड है पांची, हमें पांची करना है इसी साड़ी में, तो हमें इसको फोल्ड करना है। और देखिए जहाँ तक इसका साइज रहता है वहाँ तक अपने छोड़ देना है, और जहाँ से इसका एक्स्ट्रा साड़ी बच गया है उसको हमें क्या करना है, बिल्कुल टाइट से धीरे धीरे उठा के अंदर उसको टक कर देना है। देखिए मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है। और जो बॉयज हैं वो क्या करते हैं, कहीं कहीं तो ऐसे ही ऊपर बॉडी में कुछ नहीं डालते हैं, और कहीं कहीं वो कुछ डालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से कोई भी ओढ़नी ला के अपने कंधे पे डाल देना है, पर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, और उसको ऑपोजिट साइड से घुमा के लेके जाना है। देखिए मैं घुमा के लेके आ गई हूँ, और उसको टाइट से पकड़ के अच्छी तरीके से उसको सेट कर देना है। देखिए मेरा डॉग वो इधर उधर घूम रहा है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मेरी बात को मानता ही नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से आगे ला के उसको सेट कर देना है। तो देखिए मैंने उसको आगे ला के अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, और कहीं पे भी इधर उधर पीछे उठ गया है, तो उसको अपने हाथों से ही मैं अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मिडिल में मैंने कूच डाला था प्लेट्स छोटे छोटे करके, उसको अच्छी तरीके से हमें सेट करना है अपने हाथों से, क्योंकि उसको हम सेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी वो अम्ब्रेला टाइप का खुल के नहीं रहेगा। तो मैं आपको अभी वो करके दिखाऊंगी, पर सबसे पहले ये जो अदर साइड में थोड़ा बहुत उल्टा साड़ी रह गया है उसको क्या करना है, खींच के अंदर जैसे मैं कर रही हूँ आपको अच्छी तरीके से सेट करके उसको अंदर टक करना है, ताकि वो बिल्कुल भी इधर उधर ना दिख पाए। जैसे कि आपने अभी अभी देखा, मैंने इसका जो बॉर्डर था उसको ऑपोजिट साइड में, ऊपर वाला बॉर्डर को ऑपोजिट साइड में घुमा दिया, और जो नीचे वाला बॉर्डर छुप के बैठा था उसको खींच के बाहर ले आया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों से या धीरे धीरे करके उसको सेट करना है। और पैन का जो बॉर्डर है, पैन का बॉर्डर और मिडिल में जो प्लेट्स हमने कूच डाला था उसका बॉर्डर को पकड़ के सीधा करके हमें पिनअप कर देना है। अगर आपने नहीं देखा है कि ओडिसी ड्रेस को अच्छी तरीके से कैसे पहनते हैं फीमेल के लिए, तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने उसको पिन कर दिया है, और जैसे कि मैंने एक साइड को पिन किया है उसी तरह से मैंने ऑपोजिट साइड को भी पिन कर दूँगी। और आप डांस करते समय कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे पिन का यूज़ करना है, पर मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बस तीन चार का पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक, ये मेल डांसर्स के लिए मैंने किया है। आप इसमें पाटा साड़ी ही यूज़ करिएगा, और क्योंकि प्रिंटेड साड़ी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी मैंने आपको बस सिखाने के लिए ये वाला साड़ी को यूज़ किया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।